गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास बेटे, अज आपां टर्म टू का सिलेबस शुरू करन जा रहे हैं। आपां पहला पार्ट जिहड़ा अपनी बुक च चौथा पार्ट है, सिलेबस के मुताबिक आपां जिहड़ा पहला पार्ट करना है वह है नक्शे साडे किवें मददगार। आपां इहदे विच चैप्टर दे विच पढ़ांगे कि नक्शे साडी किवें मदद करदे है, नक्शे किन्नियां तरहां दे हुंदे, किन्नियां किस्मां दे हुंदे है, ते नक्शियां दे विच जरूरी तत् किहड़े हुंदे है जिन्हां तों सानू नक्शियां बारे समझ लगदी है। जदों आपां रियलिटी दे विच देखदे हैं तां आपां देखदे हैं कि बहुत सारा दूरी हुंदी है, एक जगह तो दूजे तक दूरी किन्नियां किलोमीटर दे विच हुंदी है, तां फिर उह नक्शे ते किवें उतार दित्ती जांदी है, उह नक्शे ते किलोमीटर नूं सेंटीमीटर दे विच मापिया जांदा है, इस तरह उह नक्शे च उतारी जांदी है। देखो सब तो पहला आपां रीडिंग करदे हैं, भूगोल उह विज्ञान है जो धरती जिस दे आले दुआले अते लोक जिहड़े इस ते रहिंदे हन संबंधी ज्ञान दिंदा है। किसे खेतर दा ज्ञान प्राप्त करन लई उत्थों दा नक्शा जरूरी है। नक्शे सानू किसे स्थान, देश, महादीप बारे जानकारी दिंदे हन। ए लाइन टिक कर लो। हुण वी रोजाना जिंदगी जदों कदे असीं कोई पता लभना होवे, पहला असीं उस थां दा कच्चा पक्का नक्शा तैयार करदे हां। कई वड्डियां शहरां ने महत्वपूर्ण थावां ते गाइड नक्शे तैयार करके लगाए हुए हन। जदों आपां जाने हैं आपां देखदे हैं कि रस्ते दे विच जिवें पैंफलेट लगे हुंदे आ उवें नक्शे भी लगाए हुंदे है, उह लोकां नूं किसे थां नूं लभण विच सही दिशा दसदे हन। इसे तरह नक्शियां ने भूगोल दे अध्ययन नूं आसान कर दिता है। ए लाइन टिक करो। मतलब नक्शा करके साडा जिहड़ा भूगोल है उह आसान हो गया है, सानू पढ़ना सौखा हो गया है, सानू पता लग जांदा है सहजे ही कि कोई जगह किथे है, किथे जंगल है, किथे रेल है, किथे नहरां हन, किथे महासागर हन, सब कुछ सानू नक्शे तो पता लग जांदा है। देन है असी जानदे हां कि धरती गेंद वांग गोल है, वैसे तो स्फेरिकल है या गोइड शेप बोलते हैं, ठीक है, फिर भी आपां नूं गोल कह दिंदे आ, चपटा गोल हुंदी है। वैसे धरती दा हूबहू प्रतीक जां मॉडल नूं ग्लोब आखदे हन। तुहानूं सारयां नूं इह चीज़ पता होनी चाहीदी है कि ग्लोब त्रै पासी है। त्रै पासी मतलब 3D, थ्री डायमेंशनल, तीन पासों आपां ग्लोब नूं देख सकदे हां। नक्शे अध्ययन करन अते पढ़ाउण लई बहुत महत्वपूर्ण हन क्योंकि इन्हां नूं आसानी नाल लजाया अते वरत्या जा सकदा है। एक नक्शा पूरी धरती दा जां कुछ कु भाग दा पैमाने अनुसार पद्धर स्तर दे प्रदर्शित होया रूप है। पैमाने अनुसार ओवी मतलब जिवें मैं तुहानूं दस्सिया है कि एक किलोमीटर नूं मान लो अद्धा सेंटीमीटर या एक सेंटीमीटर मान लिया जांदा है स्केल ते, तां इसे हिसाब नाल फिर की होगा कि 10 किलोमीटर नूं 10 सेंटीमीटर मान लिया जाऊगा, ओवें ही 100 सेंटीमीटर जदों होऊगा ते किवें किवें मापिया जाऊगा। इस तरह नक्शे ते छोटे रूप दे विच पैमाने माप ले जांदे हन। अगे देखो आपां नूं दिशा सूचक यंत्र चुंबकी कंपास दिती भी है, तुसीं बाजार चो जो देखदे हो तुसीं उहनूं लिया भी सकदे हो। जिथे तुसीं रखोगे जिधर नूं उह एरो शो कर रहा होगा उधर नूं उह दिशा होगी। आम करके चार दिशावां हन, केड़ियां केड़ियां, उत्तर, दक्षण, पूरब, पच्छम। नक्शे साडे किवें मदद करदे हन, देखो राजे साडे आधुनिक जीवन लई नक्शे बहुत जरूरी हन। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਨ ਡਿੱਗ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ, ਸਮਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਟਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੋਲੂੰਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਟਿੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਰਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਲ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢਲਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜ, ਪਠਾਰ, ਮੈਦਾਨ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭੌਤਿਕ ਲੱਛਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ। ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਭੌਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 28 ਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ
किते हुंदे है, मतलब वो जड़ा नक्शा हुंदा है वो राजनीतिक नक्शा हुंदा है जिदे विच लाइना लगिया हुंदी है, ठीक है, ये तुहानूं इंज पता लग जांदा है। ते दूसरा जिनू पोलिटिकल भी बोलदे, दूसरा हुंदा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप मतलब भौतिक नक्शा जिदे विच आपां पहाड़ पठार मैदान चोटियां ये सारा कुछ फिल करदे हैं, वो हुंदे है सॉरी भौतिक नक्शे। फिर वंड दर्शाउंदे नक्शे, जिवें मान लो वंड किवें कि मेल किन्ने है फीमेल किन्ने है, ठीक है, अर्बन अर्बन मतलब शहरां च गिनती किन्नी है पिंडां च किन्नी है, ये सारी तरह के भी वंड अनुसार नक्शे भी पाए जाते हैं। तरातली नक्शे, तरातल तो मतलब की है पहाड़ पठार मैदान। एटलस नक्शे मतलब सारे नक्शे एक बुक की फॉर्म के बुक के कंपाइल किए हुए होंगे लगाए हुए होंगे उन्हें बोलते हैं एटलस नक्शे। फिर दीवारी नक्शे, दीवार से लगाने लिए भी नक्शे होंगे है वो होंगे दीवारी नक्शे। इस तरह बहुत सारे तरह के नक्शे हैं जिन्हों तो साड़ी समाजिक सिक्ख्या या राजनीतिक या भौतिक ज्ञान सानू प्राप्त हुंदा है। तुसी इह लाइनां लिख सकदे हो आराम नाल कि नक्शे सानू किवें मदद करदे हन। नक्शे सानू राजनीतिक भौतिक तरातली ज्ञान दिंदे हन, ठीक है, सानू उन्हां दे फिर तुसी एक्सप्लेन कर दो सानू साडे पहाड़ पठार मैदान नदियां सब कुछ नक्शा तो सहज ही पता लग जांदा है। नैक्सट देखो हुण इहदी एक्सप्लेनेशन है भौतिक नक्शे। ए नक्शे किसी महाद्वीप जां किसी देश दे भौतिक लक्षणां दी जिवें उत्थों दे पहाड़ पठार मैदान आदि बारे जानकारी दिंदे हन। इन्हां विच वख-वख रंगां नाल वख-वख तरातली रूप दिखाए जांदे हन, जिवें पानी दा नीला रंग हुंदा है, क्वेश्चन भी आऊगा तुहानूं, पहाड़ां दा भूरा रंग हुंदा है, मैदानां दा हरा रंग हुंदा है, ठीक है। भौतिक नक्शां नूं तरातली नक्शे भी कहा जांदा है, ये याद रखनी है गल, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया सी ना तरातल दे विच आपां पहाड़ पठार मैदान करदे हां। फिर है इतिहासिक नक्शे, इतिहासिक घटनावां बारे पता लगता सानू, लड़ाइयां बारे सभ्यतावां दा विस्थार बारे यात्रावां बारे, लाइन टिक करो। उदू बाद है वंड संबंधी नक्शे, सानू पता लगता है कि केड़े इलाके च केड़ी फसल कीती गई है, केड़े खनिज केड़े राज दे विच पाए जांदे हन, जनसंख्या कित्थे वध है कित्थे घट है, साखरता कित्थे वध है कित्थे घट है। साखरता की हुंदा है पढ़े लिखे लोग, मतलब केरला दे विच जिवें सब तो ज्यादा बिहार एरिया च घट है बहुत, ठीक है। ये सारी चीज ये सारे नक्शे केड़े हुंदे वंड संबंधी नक्शे। फिर है स्थल आकृति नक्शे, स्थल आकृति नक्शे दे विच की हुंदा है सानू कुदरती अते मनुख द्वारा बनाईयां गईयां आकृतियां दर्शाईयां हुंदियां, जिवें सड़कां रेल मार्ग, रेल बनिया होवे तां इंज बनिया हुंदा है, ठीक है, जिवें सड़कां बनिया हुंदा अलग चिन्ह हुंदा है, हरेक चिन्ह अलग अलग बने हुंदे है। फिर एटलस नक्शे, एटलस नक्शे मतलब की है, एक नक्शे छोटे पैमाने ते आधारित जिन्हां दा किताब दे रूप विच विस्तार दिता हुंदा है ओह हुंदे है एटलस नक्शे। इन्हां नूं पढ़ना सौखा है, बच्चां तक पहुंचाना भी लाहेवंद है ते ईजी भी है। दीवार नक्शे ए एटलस नक्शियां नालों वड्डे हुंदे हन, ए क्लास दे विच या जमात दे विच प्रदर्शन कीती जा सकदी है, कल्ला क्लास नहीं आपां घरे भी इन्हां नूं तों पढ़ सकदे हां। फिर जरूरी तत् इहनूं टिक कर लो, इंपोर्टेंट है, नक्शियां दे जरूरी तत् किहड़े हन, दूरी दिशा प्रमाणक चिन्ह। नक्शियां दे तीन थम हन, मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ये तीनों नक्शे नूं बनाउण दे लई। पहली गल दूरी, जिवें तुहानूं पहले ही मैं दसता कि दूरी नूं पैमाने दे आधार ते बनाया जांदा है या विखाया जांदा है। हुण पैमाना की हुंदा राजे, देखो ध्यान नाल पढ़ो, पैमाने दा मतलब एक ओ मिनती रेखा है जो नक्शे ते दो बिंदु दी आपसी असली दूरी दर्शाउंदी है। धरती ते दर्शाईयां गईयां थावां दा अते नक्शे ते दर्शाईयां थावां दे आकार विच एक अनुपात हुंदा है, मतलब जो असल च है ते जो नक्शे ते दिखाया है ऑब्वियसली बहुत फर्क है, एक सेम किवें हो जाएंगे, बहुत फर्क हुंदा है। इस अनुसार पैमाना तैयार किया जाता है कि हेठां दित्ते पैमाने एक इंच 100 मीटर है, लाइन टिक कर लो, एक इंच नूं 100 मीटर मन्या जाता है। इसका अर्थ है कि धरती ते असली नाप 100 मीटर ते पैमाने ते एक इंच दे बराबर हुंदा है। जे आपां नक्शे ते देखिए जो एक इंच है वह धरती ते किन्ना होगा 100 मीटर। हरेक नक्शे ते थल्ले स्केल लिखा भी हुंदा है कि इहनू इन्ना मन्या गया है। नक्शे किसी भी पैमाने अनुसार बनाए जा सकते हैं, जिवें कि 1 मिलीमीटर नूं या 1 सेंटीमीटर नूं 1000 किलोमीटर या उस तो वध भी मन्ना जा सकता। यह अपनी मर्जी है कि आपां किन्ना मनना है, जिन्ना मन्या होगा उस नक्शे ते मैंशन किया होवे, मतलब लिखा हुआ होवे। फिर है दिशावां बारे, दूरी अते फासले दी तरह दिशा भी नक्शियां दा महत्वपूर्ण स्थान रखदी है, मतलब दिशा नूं भी दर्शाया जांदा है नक्शियां दे हेल्प दे नाल। नक्शियां विच दिशावां तीर
निशान नाल वखाइया जांदियां हन। देखो उत्तर दक्षण पूर्व पछम आ उत्तरी पूर्व आ दक्षिणी पूर्व आ उत्तरी पछम आ दक्षिणी पछम। ठीक है जी। फिर है प्रमाणक चिन्ह जिदी मैं पहला गल की है कि जदों आ देखो रेल मार्ग बनया हुआ दस्या सी ना रेल मार्ग पानी का भी दस्या कि आ जल चिन्ह है। ठीक है डेल्टा का बनया हुआ है इतने इन्होंने गैस खेत्र बनाता नहीं तो डेल्टा भी जिथे बनता है जिमें सुंदरवन डेल्टा बनता है ये अगे जाके तुसी पढ़ोगे। ये सारी आकृतियां हैं मतलब प्रमाणिक चिन्ह हैं। आप हुण ये चीजा तो नहीं बना सकते तो सिंबल्स बना के चिन्ह बना के आप थले लिख दें कि इसका चिन्ह है। नक्शे नूं पढ़न लई सानू चिन्हां दी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इन्हां नूं प्रमाणक चिन्ह कहा जांदा है। प्लीज टिक द लाइन लाइन टिक कर लो। ए चित्रकशी चिन्ह हुंदे हन जिन्हां द्वारा असीं धरती दीआं नक्शे ते कुदरती आकृतियां अते मनुख द्वारा बनाईआं आकृतियां दा अध्ययन करदे हां या कर सकदे हां। ए देश दे सर्वेखण विभाग वल्लों स्थल आकृतिक नक्शे बनाउण लई वरते जांदे हन। ए विभाग बहुत जल्दी अते आसानी नाल नक्शियां दियां ड्राइंग कर देंदे हन। जिवें आपां फेस रीडिंग करन वाले मतलब रीडिंग कह रही है फेस नूं देख के जो फेस बना देंदे है ठीक है ओवें ही इन आकृति नूं बनाने वाले भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसड हुंदे है। ए चिन्ह अजिहे हन जिन्हां दी संसार भर विच इक सारता है। ए नहीं कि अज जे समुंदर नूं आपां ए वाले पॉइंट्स दित्ते है मतलब डॉट डॉट या छोटी छोटी लाइन ला के हाइफन ला के ए सारे भारत विच ही यही चिन्ह है किते इह बदले नहीं होए। ए तुसी आप रीड कर लेने सारे प्रमाणिक चिन्ह टिक कर लो। फिर उदू बाद है दूरी दिशा ते प्रमाणिक चिन्ह तो इलावा नक्शियां दा एक होर महत्वपूर्ण तत्व है जिवें कि नक्शे दा सिरलेख या नक्शा संकेत। लाइन टिक करो नक्शे दा सिरलेख या नक्शा संकेत। कई बारी नक्शे बनाउण लई खास भौतिक स्थानां नूं दर्शाउण लई रंगां दी प्रयोग कीती जांदी है। ए मैं तुहानूं पहलां वी दस्सिया है। ए लाइन हुण टिक करनी है क्वेश्चन च आऊगी। पाणी या महासागर नीले रंग दे मैदान हरे रंग दे उच्चियां थावां पीले रंग दियां पर्वत भूरे रंग दे इस तरह बर्फ चिट्टे रंग दे। ए क्वेश्चन आऊगा आपां नूं इहदे विच आपां करांगे। दुबारा रीड करदे हैं। जल पिंड ए विलेज नहीं जल पिंड दा मतलब है जिथे जल हुंदा है ओ नीले रंग दा मैदान हरे रंग दा उच्चियां थावां पीले रंग दियां पर्वत भूरे रंग दे बर्फ चिट्टे रंग दी। ठीक है जी। ए तुहाडे रंग हन जो नक्शे ते दर्शाए जांदे हन। फिर नक्शा किवें पढ़ाया जावे। नक्शा सही दूरी दिशा अते होर लक्षणा अनुसार तैयार किया जाता है। नक्शा कोखण मतलब पढ़ना उपरंत मतलब बाद दे विच जदों नक्शे नूं आपां पढ़ लैंदे हां तां असीं देखदे हां कि एक तीर चिन्ह रेखा सज्जे कोने विच है जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि इह चुंज उत्तर दिशा नूं दर्शाउंदी है। इह नक्शे ते तुहानूं होर दिशावां लब्भण विच मदद करदी है। जदों सानूं उत्तर पता होगा फिर सानूं उहदा जमा उल्ट पता है कि उह दक्खण है एक पासे पता है कि पूरब है दूजे पासे पता है कि पछम है। कई बारी ए रेखा दित्ती नहीं हुंदी ते ना ही इस बारे कोई उलझन हुंदी है। रीति अनुसार ही आपां मन लैंदे हां कि उपरला सिरा जिहड़ा उह उत्तर दा ही हुंदा है। ठीक है। ए उत्तरी रेखा राही तुहानूं तुहाडे अपने राज बारे भी पता लगदा है कि उह कित्थे है मतलब हुण तुहाडा काम है कि तुसी नक्शे दे विच दसोंगे कि पंजाब कित्थे है। एदू बाद रजे तुसी ये पढ़ लेने हैं कि याद रखन योग नुक्ते केड़े हन एदे प्रश्न उत्तर ते फिर तुसी थोड़ी अभ्यास पुस्तका दे विच जेड़ा चौथा पाठ है उसनू तुसी पढ़ लेना है। ठीक है बेटे। ए मैं हले करवाना है इत्थे सिर्फ हले भरवाया है एदी वीडियो नहीं बनाई मैं इनू वीडियो बना के इस चैप्टर दे विच तुसी आपदी राज ते जेड़े उन्हां दियां राजधानियां हन ओ भी याद करनी है। थैंक यू बेटा।